मुख्यमंत्री एसपी सिंह बघेल मीडिया से रूबरू हुए, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश राहुल गांधी को लेकर बड़े बयान दिए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा 2.0 की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बृहद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव से समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज के समय में जो लोग पलते हैं उनमें अनुभव की कमी होती है और डिसीजन लेने की क्षमता कम होती है। आए दिन वह ट्विटर करते हैं। कुलवंत सिंह यादव एक धरती पुत्र थे और उनके घर ट्विटर पुत्र पैदा हुए हैं, जो 44 डिग्री टेम्परेचर के मौके पर नहीं जाते हैं। उनके राजनीतिक आदर्श डॉक्टर लोहिया ने कहा था, खर्चा पर्चा खर्चा हमेशा राजनीति में रहनी चाहिए। दूसरी बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। 2012 से 17 में कुर्सी से उतरे, लेकिन मानसिक रूप से मुख्यमंत्री पद से नहीं उतरे। पौने 5 साल तक अखिलेश यादव आराम गृह में बने रहे। चुनाव की पूर्व संध्या पर 3 महीने पहले निकले। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं एक बार रैल नहीं आऊंगा, लेकिन जनता ने उनके 7 लोगों को खूंटी से बांध दिया। कहा था 1,60,000 से हार रिपीट कहा था 1,60,000 से हराऊंगा, उसमें से 1,00,000 कम हो गया। रैल को वे अपना गढ़ कहते हैं। उस गढ़ में सेंध लगाने का काम किया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बंपर विजय होगी। उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ की सीट को लेकर कहा कि जो राजधानी आजमगढ़ रामपुर समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी वे समाप्त हो गई है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी में यहाँ भी जीत दर्ज कराई है। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वे अजीब आदमी है, अपने भाई को भेज कर एक बार फिर से परिवारवाद पर मोहर लगा दी, लेकिन जब भाई फंसा हुआ था उसको निकालने के लिए एक भी दिन का दौरा करने के लिए नहीं गए। इनसे बड़ा सुविधावादी नेता कोई भी धरती पर नहीं है। उनसे बहुत ज़्यादा समझदारी की उम्मीद दो लोगों से हम लोग करते नहीं हैं, एक श्री राहुल गांधी एक श्री अखिलेश यादव, क्योंकि अपने पिताजी के साई में जो लोग पलते हैं उनमें अनुभव की कमी होती है और डिसीजन लेने की क्षमता कम होती है। आए दिन वो ट्विटर करके मुलायम सिंह यादव निसंदेह एक धरती पुत्र थे, तो मैंने से ज़्यादा उनको कौन जानता है, लेकिन धरती पुत्र के घर में एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो ऐसी 44 डिग्री टेम्परेचर में मौके पे नहीं जाते हैं। उनके राजनीतिक आदर्श हमारे भी डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि चर्चा पर्चा खर्चा हमेशा राजनीति में रहनी चाहिए, और दूसरी बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। 12 से 17 उनकी सरकार थी, 17 में वो कुर्सी से उतरे, लेकिन मानसिक रूप से अपने मुख्यमंत्री पद से वो नहीं उतरे थे, इसलिए वो बेहद हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से एज ए सीएम करते हैं। तो ऐसे बयानों की उम्मीद उनसे की जाती है, और विपक्ष है, विपक्ष क्या करेगा, लेकिन 4.5 साल तक वो आराम गाह में बने रहे। विधानसभा की पूर्व संध्या पर 3 महीने निकले, और मुझे खुशी है कि करहल की महान जनता ने जो उन्होंने कहा था मैं एक भी बार नहीं आऊँगा, उनको कई बार आने को मजबूर किया। जो उन्होंने कहा था मेरे घर का कोई भी वोट नहीं मांगेगा, घर के 7 लोगों को करहल की जनता ने खूंटे से बांध के रखा। जो उन्होंने कहा था कि मैं 1,60,000 से जीतूंगा, तो उनका 1,00,000 गायब कर दिया, और जो कहा था ये मेरा गढ़ है, उस गढ़ में दरारें पैदा हो गई हैं, आने वाले समय में निश्चित से ये गढ़ गिरेगा। उपचुनाव में दोनों सीटें आजमगढ़ रामपुर हारी हैं। हाँ, जो राजधानियाँ समाजवादी पार्टी की होती थी आजमगढ़ और रामपुर, अगर वो लोग जीत जाते तो भी हमारे पास कहने को होता कि वो अपनी सीट को रिमेन किए हैं, लेकिन अजीब आदमी हैं अखिलेश यादव कि उपचुनाव में अपने भाई को भेज के परिवारवाद पे एक मोहर फिर लगा दी, लेकिन जो भाई फंसा हुआ था तो उसको निकालने के लिए उबारने के लिए एक भी दिन वहाँ दौरा करने के लिए नहीं गए। उनसे बड़ा सुविधा भोगी नेता इस समय धरती पे कोई दूसरा नहीं है। रामगोपाल यादव ने जो प्रचार के लिए आजमगढ़ एक दिन ना गए हों और रामपुर ना गए हों, जबकि ऐसी परंपरा है कि उपचुनाव में प्रधानमंत्री नहीं जाते, लेकिन हमारी पूरी सरकार रही, लोगों ने कहा, और आजमगढ़ और रामपुर की हार इस बात का प्रतीक है कि आने वाली लोकसभा के चुनाव में अगला टारगेट जो है वो हमारा मैनपुरी और रायबरेली है। जो बाकी हम 14 हारे हैं, 12 हारे हैं, वो सपा बसपा के गठबंधन की वजह से हारे हैं। इस मैनपुरी लोकसभा में मुझे लगता है 84,000 का फर्क है, और बहुजन समाज पार्टी इसकी 5 विधानसभा पे जो करहल है, जिसमें नगर है, गाँव है, मैनपुरी और किसनी है, इसमें 84,000 पोल कर देती है। तो अब
जिनका 63 का आंकड़ा था उनका 36 का आंकड़ा लोकसभा में हो जाएगा। मैनपुरी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं उपचुनाव में कि प्रशासन पूरी तरीके से जो